वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो की जानिब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो बातें डिस्कस करूँगा जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो तब्दीलियाँ की है, कौन से प्लेयर इन होंगे, कौन से प्लेयर आउट होंगे, ये जो वर्ल्ड कप में खेला जाएगा, जो स्काउट बना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वही जो है उसके अंदर जो बड़ी तब्दीलियाँ हुई है वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे अभी रिसेंटली जो अभी जारी होने वाली है सीरीज़ पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड, इसके दरमियान कौन कौन से नए प्लेयर ऐड किए गए हैं, तो वो पुराने लेकिन एक साल बाद जो हैं वो आए हैं, जैसे कि इस बारी जो फखर जमान नहीं चला और चाचा इफ्तिखार नहीं चला और इसके बाद खुशदिल शाह नहीं चला एशिया कप में जो जिन लोगों की गंदी परफॉर्मेंस थी उसी के हवाले से जो है ना चेंजिंग की गई है। अब कहा जा रहा है न्यूज़ के मुताबिक फखर जमान जो हैं जाएंगे, ये जो इंग्लैंड सीरीज़ होने जा रही है इसके अंदर बैकअप पे होंगे, लेकिन खेलना इम्पॉसिबल होगा, खेल पता नहीं पाते या नहीं पाते, लेकिन उसकी जगह से जो एक सुपरस्टार प्लेयर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐड कर लिया गया है पूरे एक साल बाद शान महसूद जो साबिक क्रिकेटर थे और इस टाइम जो है वो चल रहे हैं बहुत ही अच्छी, जितनी भी रिकी पोंटिंग हुई है, जितनी भी जैसे कि ये सीरीज चली है T20 उसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर रहे हैं, तो उसी को जो है PCB ने सेलेक्ट किया इस बारी जो वर्ल्ड कप में भी, और उसके बारे में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बातचीत चली थी कि जो इंग्लिश न्यूज़ एंकर थे वो उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही आसान तरीके से उनको जवाब देते हुए कहा कि ये मेरे लिए बेस्ट ऑफ लक है कि मैं दोबारा जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलूँगा, क्योंकि हुआ इस तरह के वो अचानक जो है ना बैकअप उसको करना पड़ा कि वो रिमूव हो गया, कर दिया गया, पता नहीं क्या वजह बनी। यही A to Z मैंने आपके साथ जो डिस्कस की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके सर ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई से नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बी केयरफुल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हाई फैमिली, कैसे हैं आप?